Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। इस कड़ी में पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक कार्यक्रम में शामिल हुए और पार्टी की नीतियों के बारे में बात की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में दिल्ली और लखनऊ में 5 स्टार और 3 स्टार जैसे कार्यालय बनवाए हैं, इससे बड़ी बेईमानी सरकार कौन कर सकती है। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी नेताओं के बयान, समाजवादी पार्टी चिपका पार्टी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। अगले साल बीजेपी को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में देश और 6 सालों में प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ किया है तो जनता के बीच जो है झूठ बोलने और बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी के शासन में कानून नाम की कोई चीज तक नहीं है। बीजेपी संविधान को मानती ही नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। अलीगढ़ से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाओं को लेकर कहा कि इसका फैसला जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी करने वाली है। आजमगढ़ में साधा था बीजेपी पर निशाना। इससे पहले बीते दिनों आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि बीजेपी सरकार बिजली हो, पानी हो, बढ़ती महंगाई हो या फिर रोजगार में फेलियर है, इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लड़ेगी। शिवपाल ने कहा था कि हमारी पार्टी ने शुरू कर दी है सभी 80 सीटों पर और सभी 75 जिलों में समाजवादी पार्टी अपना शिविर लगाएगी। कहा कि संगठन को मजबूत करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और सभी 80 सीटों पर सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी सेकुलर पार्टियों को एक साथ जुटाकर संगठन को मजबूत करने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो चुकी है। तो जिस तरीके के परफॉर्मेंस शिवपाल सिंह यादव का नजर आ रहा है, उससे आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।